नहीं, अभी तक कोई नहीं सुनाई हुई है जी। कहीं पर भी मैंने पुकार करी है, राष्ट्रपति तक दरखास्त दे करके प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, और आपके सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी, सीबीआई को भी, और राजस्थान के गवर्नर को भी, मानव अधिकार आयोग को भी। मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि हम जैसे बूढ़े आपकी उसके लिए मतलब लंबी आयु की कामना करेंगे, और हमारे लिए जो है आप बूढ़ों के मतलब सेवा का वो किया जाए प्रावधान। आपको क्या परेशानी? मेरे को परेशानी बहुत ज़्यादा है, मेरे को घर से भी निकाल दिया गया, और मेरे को मारा पीटा भी गया है, और 2012-24 अगस्त से मुझे किसी ने कोई खाना नहीं दिया, मैं अपना खाना खुद बना रहा था, और मेरे साथ जो भी किया गया है वो योगेश और उसके पिताजी, उसकी मम्मी और उसका चाचा, ये सब मिल करके मेरे घर का नाश कर दिया, मेरा बचा हुआ घर था वो उजाड़ दिया है। मैं इन लोगों से इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं मोदी जी के दरवाजे पे जाकर वहाँ अनशन करूँगा, और मैं बिल्कुल जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं वहाँ बैठा ही रहूँगा।